इट वॉज लाइक फेस वॉश, एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर एंड नाउ सनस्क्रीन। हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई विश सब हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, ये चेहरा पहली बार देख रहे हो, हाई, माई नेम इज स्वाति। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। लास्ट मंथ मैंने अपने चैनल पे एक मंथली फेवरेट वीडियो की थी एंड आप लोगों ने कॉमेंट किए थे कि आप लोगों के लिए वो काफी हेल्पफुल रही है। सो हेयर आई एम विथ माई फेवररी फेवरेट्स। तो द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज कि कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज्यादा पसंद कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ और काफी बजट फ्रेंडली होते हैं। और वही प्रोडक्ट मैं करती हूँ आप लोगों को रिकमेंड, जो डेफिनेटली आपको बेनिफिट देंगे, तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हो, आप भी उसको बाय कर सकते हो। एंड मुझे नहीं पता कि मैं इसको पूरे ईयर में कंटिन्यू करने वाली हूँ कि नहीं, कि हर मंथ का पर्टिकुलरली फेवरेट, बट फेब्रवरी में डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहे हैं जिसके साथ आई एम इन लव, सो वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ। तो कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट स्किन केयर से रिलेटेड है, तो इफ यू आर इनटू द स्किन केयर सो कीप ऑन वॉचिंग। द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोना टॉक अबाउट दिस बायोटिक का बायो पपाया फेस वॉश। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो यू नो कि मैंने इसको बहुत बार रिकमेंड किया है एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट गाइज। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको मैं डेफिनेटली रिफिल करती जाती हूँ। फेस वॉश के साथ अगर मेरी स्टोरी मैं आपको बताऊँ तो एक से डेढ़ साल मैंने सिर्फ और सिर्फ DIY फेस वॉश यूज किया है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो मैं मुल्तानी मिट्टी और बेसन का एक पाउडर बना के रखती थी। मेरी बहुत पहले आप वीडियो जाके देखोगे तो उसमें मैंने वो भी आपको सजेस्ट किया है। और जब भी मुझे फेस वॉश करना होता था तो मैं उसको पेस्ट बना के यूज करती थी क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्ने हो रहा था और कोई भी फेस वॉश मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। देन दीदी इसको यूज करती थी और मैंने एक या दो बार इसको ट्राई किया एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। द बेस्ट थिंग इज कि इसमें सीड्स हैं छोटे छोटे, तो ये एक स्क्रबिंग टाइप की फील देता है, तो आपको एक्सफोलिएट करने के लिए स्क्रब यूज नहीं करना पड़ता है। एंड इट्स अ नॉन फोमिंग फेस वॉश एंड इट कंटेन्स पपीता जूस, अखरोट शेल, मूंगफली तेल, प्यूरिफाइड वाटर एंड रीठा फ्रूट्स। तो ये डेफिनेटली 100% नेचुरल है एंड ये नॉन फॉर्मिंग है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, टोनर, क्लींजर, मैंने वो यूज़ किया है, लेकिन दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसको मैं डेफिनेटली रिफिल करती हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ऑल स्किन टाइप के लिए है, मेरी स्किन ऑयली है, मेरे लिए इसने वंडर किया है, तो आप भी एक बार इसको ट्राई दे सकते हो। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द थिंक स्किन का बॉडी वॉश नीम प्रोटेक्ट। आई एम इन लव विद दिस बॉडी वॉश, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और इसका एक और वेरियंट आता है एक्वा और उसकी खुशबू गाइस, ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। इट्स कॉस्ट 79 rupees ओनली और द क्वान्टिटी इज 250 ml एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ नीम। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी लास्ट लॉन्ग करता है, एज यू नो 250 ml है तो बहुत ही अच्छा चलता है। बॉडी वॉश वैसे भी बहुत कम यूज़ होता है, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर दो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज बायो ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल। ये हाईली रिकमेंड तो नहीं है बट आप एक बार इसको ट्राई दे सकते हो। सो इसमें थोड़ी सी फ्रेगनेंस है और कलर भी है, मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसे यूज़ करती हूँ अपना फेस शेप करने के टाइम पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है और आप इजीली अपना फेस शेव कर सकते हो। और मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है शेविंग के टाइम पे यूज़ करना, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप एलोवेरा जेल देख रहे हो शेविंग के लिए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इट कॉस्ट 199 rupees ओनली, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मॉइस्चराइजर एंड मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल और उसका अल्टरनेटिव मैं आज आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। इट इज सेटाफिल डैम डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन एंड काफ़ी अच्छा लोशन है और काफ़ी लाइट वेट है। आप अगर इसको वेयर करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी सा नहीं लगेगा या बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा। और ये इसका क्लेंजर भी आता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे लोग उसको रिकमेंड करते हैं लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ इसका लोशन यूज़ किया है। और ये बहुत ही अच्छा है, थिन है और नॉन ग्रीसी है, नॉन इरीटेटिंग है, इट्स नॉन कॉमेडोजेनिक, नॉन इरीटेटिंग एंड फ्रेगनेंस फ्री, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एक ट्राई आप इसको दे सकते हो।
सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा शेड ड्राई टच सन ब्लॉक अल्ट्रा लाइट क्लीन फील सनस्क्रीन. एंड मुझे कभी नहीं लगा था कि ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी. इफ़ यू नो कि मैं यूज़ करती हूँ VIV स्टॉप का सनस्क्रीन, बट ये मेरे पास था और मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया था, बट फेबररी में मैंने इसको यूज़ किया है एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है. बिल्कुल भी वाइटनिंग नहीं करता है आपके चेहरे पर, जैसे काफ़ी सारे ऐसे सनस्क्रीन है जो आपके फेस पर एकदम वाइट लेयर दे देते हैं, और वो सनस्क्रीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं. बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा काम करके देता है. तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, ये 30 ml की ट्यूब है एंड आई डोंट नो ये कितने की है और इस पर प्राइस नहीं है. या सो अगर मैं प्राइस मिलता है तो स्क्रीन पे डाल दूंगी, अदरवाइज आप इसको चेकआउट कर सकते हो, न्यूट्रीजेना का सनस्क्रीन. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बेला विटा का निकोलिप्स लिप लाइटनिंग स्क्रब. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज बेला विटा ऑर्गेनिक का निकोलिप्स लिप लाइटनिंग स्क्रब बाम. एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. लिप स्क्रब मैं पहली बार यूज़ करी थी, ये मुझे इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन के लिए आया था, बट अगर ये वर्थ इट नहीं होता तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट और रिकमेंड नहीं करती. एंड मुझे काफ़ी पसंद आया है, ये कुछ ऐसा दिखता है और इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बीट रूट है, आमंड ऑयल है. एंड द बेस्ट थिंग इज जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपके लिप को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा. इसमें कोकोनट ऑयल है और बहुत सारे ऑयल्स हैं, तो ये आपके लिप को एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चर देगा आफ्टर स्क्रबिंग. तो इसकी स्मेल बहुत प्यारी है, लेकिन इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो टेस्ट होगा, बट इट्स लिटिल इस एक्सपेंसिव. इट्स फॉर 499 rupees, बट वर्थेड है क्योंकि बहुत ही कम यूज़ होता है और काफ़ी टाइम तक चलेगा. सो मैंने पहली बार लिप स्क्रब यूज़ किया है एंड मुझे बहुत पसंद आया है. बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आपके लिप्स को देता है और बहुत ही अच्छा कलर प्रोवाइड करता है. सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो. और ये इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं है, बट ये मुझे पसंद आया, दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ. सो द नेक्स्ट इज निकोलिप्स. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नेल पेंट. और ये मैंने आपको एक व्लॉग में भी दिखाया था, मैं रिसेंटली इसको लेके आई थी. इट इज़ ग्लैम 21 का प्रोफेशनल नेल पेंट. सो ये कुछ ऐसा है. इसकी जो कॉस्ट है वो है 119, बट मुझे ये पड़ा था 50 rupees का. और इसका कलर काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है लाइलैक के बाद. मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे ये कलर भी अच्छा लगता है वेयर करना. अगर मुझे इस पूरे नेल पेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके ब्रश से है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है और जब आप इसको लगाते हैं तो आपको बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है. बाकी नेल पेंट बहुत अच्छा है. मैं डेली बेसिस पे डिशेस वॉश करती हूँ और उसके बाद भी अगर ये मेरे नेल्स पे 1 week तक रहता है तो इट्स अ गुड नेल पेंट. तो ग्लैम 21 की नेल पेंट आप ट्राई कर सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव दिस स्विस ब्यूटी की सॉफ्ट मैट लिप क्रैम. एंड काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है. मैंने जैसे अपनी मेकअप वीडियो में भी बोला था, आई डोंट नो कि इंडिया में स्विस ब्यूटी को इतना ज़्यादा क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता है. इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छी रेट पे भी होते हैं. तो ये है 199 rupees की ओनली. आई एम नॉट इन टू द लिक्विड लिपस्टिक्स, बट आई एम इन लव विद दिस लिपस्टिक. मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ वो, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल लिपस्टिक आती है जिसको अपन ऐसे राउंड करते हैं, आई डोंट नो मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है. बट अगर आप बात करोगे लिक्विड लिपस्टिक की, तो मुझे ये लिपस्टिक पसंद है. दिस इज इन द शेड N09 रेड स्मोक. और मैं इस आपका इसका स्विचेस देख के बता देती हूँ. सो दिस इज द कलर, काफ़ी प्यारा कलर है और यही मैंने अभी वेयर किया हुआ है. कैमरे पे ये थोड़ा सा डार्क आ रहा है, बट बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही प्यारा है स्विस ब्यूटी का, और काफ़ी लॉन्ग लास्ट करता है. तो डेफिनेटली आप स्विस ब्यूटी के लिपस्टिक को एक बार ट्राई कर सकते हो. लास्ट थिंग आई हैव दिस DIY लिप एंड चीक टिंट. सो मेरे पास ब्लश है, वेट, सो मेरे पास ब्लश है लेकिन मुझे लिप और चीक टिंट चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. तो मैंने DIY ट्राई किया है और इसको मैंने बीट रूट और ग्लिसरीन और आई गेस मैंने इसमें थोड़ा ऑयल भी डाला था, मैं अभी भूल गई हूँ. बट डेफिनेटली अगर आप चाहोगे तो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में या किसी व्लॉग में कि मैंने इसको कैसे प्रिपेयर किया था. काफ़ी अच्छा वर्क करता है गाइस, वेट आई शो यू. सो इसका कलर बहुत ही प्यारा है एंड सी. तो इसको आपको लगाना कैसे होता है गाइस, कि ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही होता है, तो आपको अपना स्पंज लेना है, इस पर हल्का 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 डैब करना है और ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा. मैंने अभी यही
मैंने अभी यही यूज़ किया हुआ है अपने फेस पे, और आपको बस ऐसे करके इसको अप्लाई करना है। द बेस्ट थिंग इज बहुत लास्ट लॉन्ग रहता है क्योंकि इट्स लाइक अ स्टेन, ये नॉर्मल ब्लश की तरह नहीं है, ये स्टेन है जो आपकी स्किन पे रह जाएगा। और इसको आपको क्रीम प्रोडक्ट पे ही लगाना है, पाउडर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाना है। क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर ये ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करता है और ज़्यादा अच्छे से आता है। मैं अभी रेगुलर बेसिस पे यही एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ, मैंने अपना ब्लश यूज़ करना बंद कर दिया है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ते में हो जाता है काम, आप घर पे इसको बना सकते हो। तो अगर आप चाहोगे तो मैं डेफिनेटली आपको इसको बताऊंगी, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है। तो डेफिनेटली आप इसको एक बार तो ट्राई कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्प की होगी। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक इट, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, खुश रहें एंड ध्यान रखें। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।